Okay, good morning all of you. Better yesterday we started with the concept of simple applications of tools of demand and supply. So first application, that is the intervention of government in the market form. We discussed in the way of price ceiling. So price ceiling form ne kaise define kiya, unka maximum price hai जो कि एक सेलर अपने कंज्यूमर से चार्ज गवर्नमेंट करती है। जब मार्केट फोर्सेस जो प्राइस डिसाइड करते हैं किसी एसेंशियल कमोडिटी का, दैट इज टू हाई, ठीक है, दैट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर द जनरल पब्लिक, सो गवर्नमेंट फिक्सेस मैक्सिमम प्राइस अबव विच द सेलर कैन नॉट चार्ज, ठीक है। बट When that price is fixed, एक बार मैं दोबारा से बता दूं, price ceiling का concept, ये बीच market है, ये बीच का demand curve और ये बीच का supply है। Suppose ये जो price fix हुआ, it is too high. At this high price, people cannot afford wheat. And wheat being an essential commodity, ठीक है, ये एक स्टेपल डाइट है नॉर्थ इंडियंस की। तो अगर इस जस्ट ऑलराइट, सो दिस बीइंग अ स्टेपल डाइट इन से नॉर्थ इंडिया, पीपल कैन नॉट अफोर्ड वीट एट सच अ हाई प्राइस, सो गवर्नमेंट इंटरवीन्स, गवर्नमेंट फिक्सेस अ प्राइस विच इज लोअर देन दी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो गवर्नमेंट कहती है कि सब सेलर्स को आप ओपी वन से ज्यादा इस कमोडिटी का प्राइस चार्ज नहीं करेंगे, यानी गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी, लिमिट फिक्स होगी ना, उस लिमिट को हम क्या कहेंगे, प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग इज द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अबव विच द सेलर कैन नॉट चार्ज प्राइस फ्रॉम इट्स consumers, ठीक है। But when this price is fixed, price lower than equilibrium price is fixed, it gives rise to the situation called excess demand. So how to solve this problem? अब excess, अब buyer की line लग गई, seller कुछ market से निकल गए कम price पे, तो फिर बात तो वही आ गई, पहले food security insured नहीं थी due to unaffordability, अब फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो रही ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, सो व्हाट टू डू, अगेन गवर्नमेंट केम अप विद द सॉल्यूशन कॉल्ड एज राशनिंग। गवर्नमेंट ने कहा सबको मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है, सो राशनिंग फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, अपनी राशन शॉप्स खोल दी, जिसको फेयर प्राइस शॉप्स का नाम दिया गया, हर एरिया में फेयर प्राइस शॉप्स खोल दी, जिसमें जो असेंशियल कमोडिटीज हैं उसका एक फिक्स्ड कोटा हर पर्सन को, हर फैमिली को मिलेगा एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बट राशनिंग आल्सो हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स, जब भी फेयर प्राइस शॉप्स पे गुड्स मिलते हैं तो अगेन इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ से लॉन्ग क्यूज, यू हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, ठीक है, एंड समटाइम्स पुअर क्वालिटी फूड ग्रेन्स आर बीइंग sold here. Clear? Now, coming to the next concept, next type of government intervention, price floor. Now, what happens? ये नहीं है कि essential commodity के prices market forces हमेशा high fix करते हैं. High कब fix करते हैं? जब supply कम है, है ना? India में basically क्या होता है? जब suppose हम wheat market की ही बात कर रहे हैं, wheat की harvesting पूरी country में same time पे होती है, अप्रैल के टाइम पे, तो उस टाइम पे सारे फार्मर्स जब अपनी प्रोड्यूस लेके मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में ग्लट आ जाता है। ग्लट मींस ओवर सप्लाई, सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो जो प्राइस फिक्स होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज वेरी वेरी लो, नॉट एट ऑल रेमुनरेटिव। ये जो ओपी प्राइस फिक्स हुआ ये बहुत लो प्राइस है, ये रेमुनरेटिव नहीं है। रेमुनरेटिव मीन अगर आप फार्मर हो, ठीक
ठीक है, आपने वीट का एवरेज प्राइस निकाला, आपने देखा पूरा साल आपने मेहनत की, आपका इतना खर्चा आया, ठीक है, तो आपको एवरेज कॉस्ट पर क्विंटल सपोज करो 2000 पड़ी, और आपको मार्केट जो प्राइस फिक्स करके दे रहा है, मार्केट फोर्सेस ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी आई। मार्केट फोर्सेस कैसे प्राइस डिटरमिन करते हैं? डिमांड और सप्लाई के बेसिस। वो आई 2000, 2000 आपका एवरेज कॉस्ट, 2000 पे बेच दोगे, यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और नॉट? तो इसका मतलब मार्केट फोर्सेस ने जो प्राइस फिक्स किया वो बिल्कुल भी रेमुनरेटिव नहीं है। सो आर यू विलिंग टू सेल एट दिस प्राइस? अगेन, पर यहाँ पे फार्मर ये नहीं देखेगा कि भाई ये मार्केट फोर्सेस ने प्राइस फिक्स किया है, गवर्नमेंट का क्या लेना देना। मोर ओवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेलफेयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखेगी अरे भी अगर आज फार्मर को मैंने रेमुनरेटिव प्राइस नहीं दिलाया तो ये अपने खेत वेत बेच के चला जाएगा, कौन वीट की प्रोडक्शन करेगा, हमें तो वीट इम्पोर्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए तो हाई प्राइसेस देने पड़ेंगे। तो इसीलिए फार्मर को इनकरेज करना, एक इंसेंटिव देना कि भी नहीं तू तो हमारा अंत आता है, तूने प्रोडक्शन करनी करनी है, ठीक है, तू वीट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो लोग कैसे, नो चला नहीं था अभियान, नो फार्मर नो फूड। सो सेम वुड बी द सिचुएशन हियर, सो वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू इनकरेज द फार्मर्स टू स्टे पुट। हाउ कैन वी इनकरेज हिम? बाय प्रोवाइडिंग हिम हायर प्राइस, है ना, उसको हम एक अच्छा प्राइस देके उसको इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो फार्मिंग ना छोड़े। सो दैट इज द प्राइस फिक्स्ड बाय द मिनिमम प्राइस, ये था मैक्सिमम प्राइस, इसके अबव वो चार्ज नहीं कर सकता था। अब गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स करेगी, मिनिमम प्राइस जिसके बिलो ये सेलर अपनी प्रोड्यूस नहीं बेचेगा। गवर्नमेंट विल फिक्स अ मिनिमम प्राइस बिलो विच सेलर इज नॉट अलाउड टू सेल हिज कमोडिटी। नाउ दैट प्राइस इट विल बी फिक्स्ड अबव इक्विलिब्रियम और बिलो इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला तो बहुत लो है, हमें ज्यादा देना है तो हमने उसके ऊपर फिक्स कर दिया। लेट अस से OP1। This price will be called as floor price, या price floor. Price floor, floor के नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। So floor price is the price below which seller cannot sell his commodity. ठीक है? But floor price is fixed above the equilibrium price. ये ध्यान रखना उल्टा है। Ceiling price, ceiling ऊपर होती है, ceiling price इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे रहेगा, फ्लोर नीचे होता है लेकिन फ्लोर प्राइस ऊपर रहेगा। सो राइट डाउन, प्राइस फ्लोर मींस द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्ट। द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस for farm products this regulates the income of the farmer, ठीक है, डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लीजिए प्राइस फ्लोर का। नोटबुक नहीं है क्या आपकी? अरे
ठीक है, डायग्राम बन गया। अब ओपी प्राइस किसने फिक्स किया? मार्केट फोर्सेस ने। बट दिस इज टू लो अ प्राइस, सो गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड फिक्सेस अ हायर प्राइस बिलो विच नो सेलर इज अलाउड टू सेल हिज कमोडिटी। नाउ एट दिस हायर प्राइस अगेन देयर इज वन प्रॉब्लम, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। अच्छा, आप में से ये मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि मैम अगर हाई प्राइस फिक्स कर दिया, इस हायर प्राइस पे लेगा कौन? इस हायर प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। ये जो प्राइस है ये मार्केट फोर्सेस ने फिक्स किया, ठीक है, मार्केट में ये प्रिवेल कर रहा है। आप फार्मर हो, आप अपना ट्रक भर के लॉरी भर के वीट की मार्केट में आ गए, ग्रेन मार्केट में, ठीक है। आपने कहा भी क्या प्राइस चल रहा है, उन्होंने कहा ये आज का प्राइस ये है। मार्केट फोर्सेस डेली चेंज होते हैं, तो डेली प्राइस आप देख लो, न्यूज़पेपर खोल के देखो, हिंदी की इंग्लिश की, वहां पे कमोडिटी प्राइसेस आ रहा होता है डेली। ऑल दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, इवन वेजिटेबल्स, सबके प्राइसेस मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन होते हैं। तो उसने बता दिया ये है, आपने कहा नहीं भाई, आपने अपने कहा ट्रक वाले को बोला कि अनलोड नहीं करना, आपने देखा गवर्नमेंट ने फ्लोर प्राइस कितना फिक्स किया है, ओपी वन, तो आपने अपने ट्रक वाले को बोला चलो एफसीआई के गोडाउन चलो, एफसीआई चलो, वहां पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। मतलब थ्रेटिकली मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं के, ठीक है। सो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से आप मिले, उसने कहा कि ठीक है ये तो बहुत लो प्राइस है जो मार्केट ने फिक्स किया है, मैं आपको ये वाला प्राइस दे रहा हूँ, आप मेरे को बेच दो। सो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी, इजंट इट। जब ये हाई प्राइस आ गया, अगेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ फार्मर्स अपने ट्रक भर भर के लेके आ रहे, लेकिन डिमांड कम है एट हायर प्राइस। सो व्हाट विल गवर्नमेंट डू विद दिस एक्सेस सप्लाई, व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? नाउ गवर्नमेंट विल बाय दिस स्टॉक, एक्सेस स्टॉक, एंड मेंटेन बफर स्टॉक। गवर्नमेंट खरीद लेगी ये स्टॉक और इसका क्या करेगी, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखेगी। बफर स्टॉक मतलब कल को कोई भी डिफिकल्टी आती है तो हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए, बफर क्रिएट करके हम रख लेते हैं। तो कल को कहीं नेचुरल कैलेमिटी आएगी, ड्राउट पड़ेगा, फ्लड्स होंगे, वहां पर ये स्टॉक भिजवा दिया जाएगा, मिड डे मील में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फेयर प्राइस शॉप्स में यहां से कमोडिटीज बेची जाएंगी, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। विद दिस अवर दिस चैप्टर इज ओवर। मैंने साथ साथ आपको इसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला तो यही, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउ इज इट डिटरमाइंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देन व्हाट हैपेंस इफ मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट हैपेंस इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। सो अगर नहीं भी पूछा, इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू हैव टाइम, यू आइदर एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और वट एवर इज आस्क्ड। Then, what is the effect of change in demand on equilibrium price and quantity? अब change में वो increase भी पूछ सकता है, decrease भी पूछ सकता है, demand specifically ना पूछ के factor बता सकता है, आपको खुद judge करना पड़ेगा ये factor demand को affect करता है या supply को। Income, favorable taste and preferences, ठीक है, ये सब किसको affect करते हैं, demand को। तो फिर डिमांड का इन्फ्लुएंस बताओ, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सीधा नहीं पूछा। व्हाट हैपेंस इफ नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज, व्हाट हैपेंस इफ एक्साइज ड्यूटी इज रिड्यूस्ड, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट सप्लाई।
सो सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर इंपैक्ट बता दो. देन देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. इसी तरह साइमल्टेनियस डिक्रीज, फिर ये सिंपल एप्लीकेशन, ये सिंपल इनके मीनिंग डायग्राम पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक, ओके. सो बेटे वी हैव वन चैप्टर लेफ्ट, दैट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, वो हम अभी कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा आई गेस हमारा. 15 मिनट्स आर देयर विद अस. सो इफ यू आर हैविंग ग्राफ नोटबुक्स, टेक इट आउट. जी, टाइम सीरीज ग्राफ नहीं करवाया, मेरे को पता है. राइट डाउन, लास्ट ही है, बस दो दो क्वेश्चंस करेंगे. फ्रॉम मंडे रिवीजन विल टेक प्लेस. जी, और जिस तक की है ना, हाँ, कौन सा ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स रिवीजन में करवा दो. अर्थमेटिक लाइन ग्राफ मंडे को करवा दूंगी. ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ्स. It is a graphic presentation of time series data. बेटे time series क्या होती है? Series in relation to time. कोई भी series आपको with respect to time given है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज. उसको जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं तो जो ग्राफ आया उसको क्या कहेंगे? टाइम सीरीज. इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन वेरिएबल ग्राफ टू और मोर देन टू वेरिएबल graph. So whenever we make time series graph, we always take time on x axis and the variable on y axis. ठीक है, so हमें सिर्फ y axis का ही scale देखना पड़ेगा कि इसका scale हमने क्या लेना है. ठीक है, और उसको लिखना भी है, mention भी करना है. So shall we start? Construct time series graph, construct time series graph for the following data. You are given exports in rupees crore. X एक्सिस पर क्या लेंगे? ईयर्स, और Y एक्सिस पर एक्सपोर्ट्स. क्या स्केल लग रहा है आपको एक्सपोर्ट्स का? फोर, सारे फोर के मल्टीपल्स हैं, है ना? तो फोर का स्केल ले लें, 36 है. तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूं.
ईयर दो तरह से हम ले सकते हैं, चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो ईयर, चाहो तो यहां से स्टार्ट अप टू 2011, 12, 13, 14, 15. कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ वैल्यूज प्लॉट करनी है. 2011 में 16 है एक्सपोर्ट्स, नेक्स्ट ईयर में 20, नेक्स्ट ईयर में 36, देन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग टू 24 एंड देन केम डाउन टू 12. जॉइन दीज, दिस इज अ टाइम सीरीज ग्राफ. इन ग्राफ से हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड देखते हैं क्या ट्रेंड है. ठीक है, पहले अपवर्ड था फिर डिक्लाइनिंग. अगर ऐसा भी बने ना, अपवर्ड है, ठीक है, और अगर ऐसा है कम बढ़ता लेकिन ट्रेंड डाउनवर्ड है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है लेकिन ट्रेंड जो है वो डिक्लाइनिंग. ट्रेंड देखना होता है. इसमें सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, टाइम सीरीज ग्राफ शोइंग एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, सेमीकॉलन डाल के लिख दो, 2011 टू 2015. वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट्स, एक्स एक्सिस पर ईयर्स, यहां पर लिखेंगे स्केल यूज्ड ऑन वाई एक्सिस. 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 4. 4 करोड़ लिख लो, 4 लिख लो, जो भी. ठीक है, सिंपल. टू वेरिएबल ग्राफ करें, कंस्ट्रक्ट टाइम सीरीज ग्राफ टू प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा related to expenditure and income. Income of persons in a town persons in a town. हाँ जी, कौन सा स्केल? 4 का. 4 के मल्टीपल्स है मैक्सिमम, जो नहीं है वो भी 2 के मल्टीपल्स हैं तो वो भी इजिली डिनोट हो जाएंगे. सो मैं इसी को यूज कर रही हूं, आप बनाइए ग्राफ. एक्स एक्सिस पर ईयर्स, वाई एक्सिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रुपीज लैक्स. अब यहां पे क्योंकि ये टू ग्राफ बनेंगे ना, दो वेरिएबल है
तो इसको आप एक को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट मतलब फुल लाइन से, दूसरे को ब्रोकन लाइन से, ठीक है, डॉटेड या ब्रोकन लाइन से। सो इनकम मैं पहले यहाँ पे मार्क कर रही हूं, यहाँ पर भी शो कर सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर लिख के, नहीं तो यहाँ पर इंडेक्स बना दो, लिख दो स्ट्रेट लाइन इनकम, ब्रोकन लाइन इंडिकेट्स एक्सपेंडिचर, यहाँ पे स्केल यूज्ड। हाँ जी, क्लियर करना है बस, सुनो। बच्चों ने टेस्ट नहीं भेजा था तो आज भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स का नहीं है, आज करके भेजेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू सेंड योर टेस्ट टुडे, फ्रॉम मंडे रिवीजन विल टेक प्लेस, आई विल बी स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, प्रोडक्शन फंक्शन से स्टार्ट करते।